हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं SCL स्टॉक्स के बारे में, पर उससे पहले की इम्पोर्टेंट चीज़ का है, जिनके लिए भी चैनल नया है तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे बात करने वाले SCL शेयर्स के बारे में, तो क्या इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कल SCL की Q4 की रिजल्ट निकल के आने वाली है, तो Q4 की रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा तहलका हो सकती है मार्केट में, इस बात को समझना पड़ेगा। और उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे और डिटेल तरीके से समझेंगे कि कैसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं। शेयर राइट नो 1039 रुपीज़ पर करेंटली ट्रेड कर रही है। 5 डेज में देख सकते हैं अच्छी खासी उतार चढ़ाव है। आज के दिन आपको 2% और गिरावट बनाते हुए दिखी है। यहाँ पे अगर बात करें 5 डेज में, तो देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो है। 1 मंथ का बात करें तो 1 मंथ में अभी सबसे डाउन पॉइंट पे है, जहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं तो स्ट्रांग सपोर्ट भी बोल सकते हैं। 1000 जो इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है वहाँ पे अभी आपको रहते हुए दिख रही है, मतलब 1150 से लेकर 1140 तक जो ट्रेंड में ये चल रही थी, तो उसी के बीच के सपोर्ट में है। अभी ये कितनी और डाउन आ सकती है तो इस पर बात करते हैं और समझते हैं। 1000 तक इसकी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, मेजर स्ट्रांग सपोर्ट इसकी आती है 1000 पे, और 1000 अगर ब्रेक करते हुए दिखती है तब टेंशन वाली बात है। उससे पहले बीच में मार्केट में अच्छा खासा उतार चढ़ाव, यही भी हम कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा मैं TCS की ही शेयर्स का ओपन कर देता हूँ, तो TCS की शेयर्स आप लोग देख सकते हैं। तो वही 6 मंथ में ओपन करे तो यहाँ पे अच्छी खासी डाउन आते हुए दिख चुकी थी आप लोग को। इस पॉइंट पे 3100 फिर से रिकवरी और फिर से अभी डाउन है। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी दिसंबर के टाइम में अच्छा खासा डाउन आते हुए दिखा और यहाँ पे बिग टाइम था, और यहीं पे हम लोग वही कंपैरिजन करें SCL स्टॉक में 6 मंथ पे चले जाते हैं, तो देख सकते हैं ये एक अच्छा फ्लो मेंटेन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गिरते हुए दिखा, जैसे और सारे सेक्टर IT सेक्टर की है, पर उतने भी ज़्यादा कोई गिरावट नहीं बनते हुए दिखे थी। यहाँ पे इस शेयर्स की बात करें आगे की ओर, तो यहाँ पे बात देख सकते हैं 44.94% तक की डिलीवरी होते हुए दिखी आज के दिन, और कल जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। जो लोग भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही मेजर रोल है, एंड इनफैक्ट ये आज एक ये भी तरीका हो सकता है। मैं सिर्फ जस्ट अपने साइड से गेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 2.28% कल और जैसे ही ये रिजल्ट निकल के आती है तो यहाँ पे पॉजिटिव हिट करने का चांसेस बन जाएगा। तो अभी जो पुरानी शेयर थी जो PE में थी वो अच्छी खासी डाउन प्राइस पे अभी आप लोग को मिल सकती है। यहीं पे बात करें तो ये सारी ये इंपॉर्टेंट बात थी। अभी मूव करते डिविडेंड सबके साइड, तो डिविडेंड भी देने का चांसेस बना सकता है। इनफैक्ट चांसेस ये भी हो सकता है कि बोनस भी डिक्लेयर हो जाए। अब बोनस का इसलिए बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, तो रीज़न मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा, वो मैं बाद में चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ उस पार्ट पे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 44.94 मतलब ऑलमोस्ट 45% का आपको डिलीवरी होते हुए दिखा है। यहाँ पे यही बात करें ये बहुत सारे प्रेडिक्शन हो रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ पे गिरते हुए दिखेगी उठते हुए दिखेगी, तो मैं बहुत सारे न्यूज़ को देख लिया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बहुत कोई अपडेट आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सेल्स नेट सेल्स सबके साइड में, तो यहाँ पे वही चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसा बैलेंस शीट फॉर्म रहा है। पर उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट, पुराने क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो यहाँ पे पुराने टाइम में भी गिरते हुए ये शेयर दिखी, ऐसा नहीं कि नहीं गिरी है। यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट वेट इस टाइम में भी देख सकते हैं, मार्च के टाइम में देख सकते हैं, इनफैक्ट 1 ईयर पे चले जाते हैं तो 1 ईयर में आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम में सितंबर के टाइम का बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी देख सकते हैं बीच में दिसंबर टाइम का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुराने जो दिसंबर टाइम में देख सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि सेल्स में कोई कमी हुई है या नेट प्रॉफिट में कमी हुई है। नेट प्रॉफिट सब टाइम लगातार एक रेगुलर वे में इंक्रीज होते हुए दिखे। इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक ही जगह पे थी, पर अभी वैसा सीन नहीं है। अभी यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखी, यहाँ पे EPS कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिखी, मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव था। तो यहाँ पे इस पूरे साल लगता है इसी तरीके से मेंटेन हुआ है, मतलब ये फॉर 2 ईयर्स अगर की बात करें तो एक तरीके से इसी तरीके से मेंटेन हुआ। लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छे खासी पे क्लोजिंग हुई है, तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान देते देख सकते हैं कि लगातार हर एक ईयर में प्रॉफिट बनाते हुए दिखा है। और इनफैक्ट डील ऐसी नहीं कि कम डील मिलते हुए दिखी। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी पुरानी, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 जून 2022 की बात, जुलाई सॉरी 12 जुलाई की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डील नहीं मिलते हुए दिखा है, ये सारी शेयर्स को अच्छी खासी डील भी मिलते हुए दिखी है और चांसेस ज़्यादातर रह सकती है मेरे साइड से कि पॉजिटिव में आपको रिजल्ट का नतीजा देखने को मिल सकता है इस शेयर्स का और अच्छा प्रॉफिट आगे के टाइम में बनते हुए दिख सकता है। कल ज़्यादा चांसेस रहेगा पॉजिटिव में जा सकती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के साइड आप लोग थोड़ा सा अगर मूव करना चाहते तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, और ऐसे कुछ डिटेल चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम का, आप वहां पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। पर हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लीजिएगा इसके बारे में कि पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट आप खुद एक बार अपने से एनालाइज कीजिएगा तभी पैसा लगाइएगा। यहाँ पे वही TCS जैसी शेयर सबसे कंपैरिजन करें तो TCS तो अभी पुराने टाइम से बहुत ही ज़्यादा डाउन आ चुकी है, और अभी भी इसमें बाइंग करने का बहुत ही राइट ऑप्शन बनता है। आराम से बाई करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इस शेयर्स में भी। और अगर इस शेयर्स के लिए अच्छा मोमेंटम चाहिए SEL जैसी शेयर्स के लिए तो अभी आपका बाइंग के लिए भी अच्छा चांसेस है। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा सपोर्ट और टारगेट के साइड बात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एक टाइम पर ये शेयर 1156 रुपीज़ पे गई थी और ये अभी के टाइम में जो ट्रेड करी है वो 1040 पे ट्रेड कर रही है। ये जो मतलब ऊपर ऊपर की ब्रेकआउट जो इसकी ब्रेकआउट नहीं होते हुए दिखती है लगातार, देख सकते हैं इस पॉइंट से ब्रेकआउट नहीं होते, हर बार यहाँ पे टच की है और यहाँ पे हिट करते हुए दिखती है डाउन, फिर से टच करते हुए दिखी थी, फिर हिट की है डाउन, फिर ट्राई तो एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करने लगी थी, पर यहाँ पे जो स्ट्रांग सपोर्ट है जो इसको डाउन ट्रेंड में नहीं जाते हुए दिया, और अभी ये राइट नाउ फिर से अपने स्ट्रांग सपोर्ट पे है। तो 1000 याद रखिएगा बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऊपर जो रेसिस्टेंस क्रिएट होती है वो सबसे ज़्यादा वो देख सकते हैं 1150 तक में आप अगर ये शेयर्स पहुंचती है, और आप अगर 100 शेयर्स लिए हुए तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा 60 शेयर्स को सेल कर दीजिएगा, 40 शेयर्स को होल्ड करके रखिएगा, और अगर ये उसी के टाइम के बीच में 1100 टच कर देती है तो अपना पूरा 40 जो बाकी की 40 शेयर्स थी वो निकाल लीजिएगा। मैं जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे दिया हूँ, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा मेरे से। तो इस तरीके से अगर आप मेंटेन करते हैं तो आराम से आपको प्रॉफिट भी बनते हुए दिखेगा, और स्टॉक्स भी अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बहुत ज़्यादा डाउन जाते हुए दिखेगा। तो कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। इनफैक्ट कल की रिजल्ट में ज़्यादा चांसेस रह सकती है कि शेयर्स की रिजल्ट अच्छी आते हुए दिखेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन। और जिन जिनको कल का रिजल्ट का पूरा डिटेल एनालाइज चाहिए वो वीडियो में कमेंट कीजिए। थैंक यू।